टाइसन फॉरवर्ड 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 वेरी गुड डाउन फॉरवर्ड टाइसन फॉरवर्ड डाउन सिट वेरी गुड। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि मजे में होंगे। ये देखो मेरा नॉटी बॉय अभी निकला है मेरे साथ में। अरे दिख नहीं रहा है भाई, ये दिखा दिखा, मेरे साथ निकला है पॉटी करने के लिए और ये मेरे को फिर से दौड़ा रहा है। सॉरी सुबह सुबह आपको क्या बता रहा हूँ मैं। गाइस ये तो हर किसी के साथ होता है, जिसके पास भी डॉग है उसको तो लेके निकलना ही पड़ेगा। और वैसे आसमान का वेदर देखोगे आप, क्या ज़बरदस्त। ये देखो एकदम खतरनाक वाला बादल आया हुआ है, लेकिन वाइट वाला बादल आया हुआ, मज़ा आता है देखने में ये वाला बादल। लेकिन अपन को तो बारिश चाहिए और ये नॉटी बॉय को बारिश नहीं चाहिए, क्योंकि इसको दिक्कत होता है थोड़ा घूमने फिरने में। और गाइस आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे यहीं से। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। 1 लाइक इक्वल टू 1 मोटिवेशन, समझ रहे हो आप? जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा मैं। और हाँ, डॉग्स के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, DIY, और ऐसे पोर्ट्रेट में ही वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो बताना, नहीं तो फिर मैं लैंडस्केप कर दूंगा, बने रहो। तो गाइस करीब आधा घंटा वॉक करने के बाद यहाँ पे हम लोग बैठे एक अच्छे स्पॉट पे। ना ऊपर पेड़ है और नीचे हम हैं और ये बोजो है, और यहाँ पे सामने एक मंदिर है जो कि बहुत ही अच्छा अच्छा कृष्ण भगवान का गाना बज रहा है, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे ठंडा हवा भी लगा, और पीछे देखो, पीछे जस्ट सिटिंग के पीछे बड़ा सा खाई जैसा गाली है। थक गया हूँ, थोड़ा सा भीग गया हूँ तो बैठूंगा ना भाई। देख लो इसका हालत, इसका हालत ऐसा नहीं है, ये ना जो भी यहाँ से आदमी गुजर रहा है ना उसके ऊपर ये भौंक रहा है बहुत। बुझो बहुत क्यूट डॉग है। बुझो से हाय, बुझो से हाय। वैसे ये लैब्राडोर और कंट्री डॉग का मिक्स ब्रीड है। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करेंगे कि यह मिक्स ब्रीड है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ ये लैब्राडोर एंड कंट्री डॉग का मिक्स ब्रीड है गाइस। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और थोड़ा जाएंगे पुलिस लाइन, गोलमुरी पुलिस लाइन से थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर इसको इसको सिर्फ सूंघना होता है, फिर इसको घुमा करके घर ले करके जाएंगे, फिर इसको थोड़ा सा सुथौल वाला पानी से पोछेंगे पैर वगैरह सारा, नीचे पैर का पंजा के नीचे जो इसका है ना सारा पोछेंगे, क्योंकि बाहर में बहुत कम घूमता है और जब भी घूमता है तो पोछना ज़रूरी होता है। आप भी अपने डॉग को पोछा करो, अच्छा रहेगा उसके लिए। और कल हम जब गोविंदपुर ट्रेनिंग कराने के लिए गए थे तो वहाँ पे कुछ टाइम लैप्स लिए थे ट्रेनिंग का, मोबाइल वहाँ पे रख दिया था ऑन करके, तो बहुत ही ज़बरदस्त टाइम लैप्स आया, आप इंजॉय करो। फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं मानगो, यानी नियर बाई पार्टी बोलेंगे इसको, और ये है शेरी। और शेरी बहुत एक्साइटेड होती है बॉल को देख के। वेट 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 अब वेट 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 वन टू गो। वेरी क्यूट शेरी ड्रॉप, बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखो दो लोग तीन लोग यहाँ पे बांध के रखे हैं कि ये पहले इसका क्लास होगा फिर बाकी सबका होगा। और सबसे ज़्यादा ओल्ड है ये, 7 साल पुराना है डॉग, लेकिन वो सबसे तेज है ये। गो शाबाश। लैब्राडोर बहुत ही रिट्रीवर डॉग होता है, बहुत ही क्यूट होता है, जहाँ भी बॉल फेंको तो पकड़ के लाएगा। देखो शेरी मेरे पास इधर, कम कम कम, सिट डाउन डाउन, क्यूट, बहुत ही क्यूट डॉग है। इसके लिए एक सब्सक्राइब बनो, बनता है गाइस, बनो बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पे सब्सक्राइब करना मोर मिनी ब्लॉग्स के लिए। गो